हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने लगे हैं मोती पुलाव, और ये बड़े मज़े की रेसिपी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और बहुत मज़े की थी, सो आई वांटेड इट टू शेयर विद यू गाइस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर वीडियोज़। इसके लिए आपको चावल चाहिए। मैंने 2 कप चावल भिगो के रखे हैं, आधा घंटा उनको भिगोया था। 7 अब देसी घी चाहिए होगा आपको, 7 कनौर क्यूब चाहिए होगी। एक बड़ा सा पैन ले लें, उसके अंदर आप डालें अराउंड 6 टेबलस्पून ऑफ देसी घी और एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है। अगर ज़्यादा ब्राउन भी हो जाए तो देर इज़ नो इशू, क्योंकि उससे चावलों को अच्छा रंग आएगा। इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हम डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून गरम मसाला। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 साबुत इलायचियाँ, 3 छोटे छोटे पीस हम डालेंगे दालचीनी के, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, अराउंड 1 कप। पानी डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 साबुत लाल मिर्चें, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। साथ हम इसमें डालेंगे 1 कनौर क्यूब, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है जी, ये हमारा मेन मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। चावल जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 कप चावल मैंने लिए थे, उनको मैंने आधा घंटा भिगो दिया हुआ था। 3 दफ़ा धो के फिर भिगो दीजिए, और हम इसको डायरेक्ट इसमें डालेंगे। पानी का लेवल आपने चावलों के लेवल से 1 इंच ऊपर रखना है। ये आप इस तरह से टिप करके चेक कर लें, बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैं ये 1 इंच वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, इससे मेरे चावल बिल्कुल खुले खुले बनते हैं और जुड़ते नहीं हैं। अब हम इसको रखेंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स बॉईल होने के लिए। 10 मिनट्स में आप देखें इस तरह से इसको सुराख पड़ना शुरू हो जाएंगे, और आपने कोशिश करनी है, अभी 3 मिनट थे, 7 मिनट्स में ही, 7-8 मिनट्स में इसकी इस तरह की शक्ल हो जाएगी। इस स्टेज पे आपने इसमें कोफ्ते डालने हैं। कोफ्तों को मैंने ले लिए थे, मैंने 10 कोफ्ते लिए थे, उनको मैंने फ्राई करके अलग से रख लिया था। मैंने एयर फ्राई किए थे, आप नॉर्मल फ्राई भी कर सकते हैं। साथ 1 मुट्ठी कैशू नट्स मैंने ऊपर सारे गार्निश के लिए डाले हैं, एंड दैट्स इट। अब हम इसको दम पे रखेंगे। एंड दैट्स इट, इसको अब हम दम में रखेंगे फॉर अराउंड 10 to 12 मिनट्स, और 10 से 12 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएंगे। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।